महादेव और गुरु दत्त कथा। महादेव और गुरु दत्त कथा कई प्रकार से प्रस्तुत की जा सकती है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें महादेव और गुरु दत्त का मिलन बताया गया है। एक बार दक्षिण भारत में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक बेटा था जिसका नाम श्रीनिवास था। श्रीनिवास अपने माता पिता के साथ ब्रह्मचारी जीवन बिता रहा था और वेदों का अध्ययन कर रहा था। एक दिन श्रीनिवास ने वन में बाल खेलते समय एक अद्भुत व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति बहुत तेज धारण कर रहा था और उसका विभूषण अत्यंत आकर्षक था। श्रीनिवास के मन में उत्कंठा उठी और उसने व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और क्या कारण है आपके विभूषणों के पीछे? व्यक्ति ने मुस्कानते हुए कहा, ब्राह्मण पुत्र, मैं गुरु दत्त हूँ और ये विभूषण मेरे दिव्य सामर्थ्य का प्रतीक है। मैं यहाँ महादेव को ध्यान में लगा हुआ हूँ। श्रीनिवास को इस अद्भुत व्यक्ति की साधना और तेज आकर्षित कर गई। उसने गुरु दत्त से आग्रह किया कि वो उसका गुरु बने। गुरु दत्त ने प्रसन्नता के साथ उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे आध्यात्मिक साधना के लिए शिक्षा देने का निर्णय लिया। श्रीनिवास ने आदर्श ब्रह्मचारी के रूप में गुरु दत्त के पास अवकाश लिया और उनके निर्देशों का पालन करने लगा। गुरु दत्त ने श्रीनिवास को अपने साथ एक यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीनिवास को आध्यात्मिक सिद्धि के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं दी। वे उन्हें योग, ध्यान और सेवा की महत्ता के बारे में सिखाते रहे। श्रीनिवास उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने लगा। एक दिन गुरु दत्त और श्रीनिवास ने वन में एक शिवालय का दर्शन किया। वहाँ पर्वत पर एक शिवलिंग स्थापित था। गुरु दत्त ने शिवालय में प्रवेश किया और शिवलिंग की पूजा करते हुए मंत्र जपने लगे। श्रीनिवास भी उनके पीछे चलकर वहाँ शिवलिंग के समीप बैठ गया। गुरु दत्त ने मंत्र जप करते हुए एक अद्भुत घटना को देखा। शिवलिंग से अचानक आग उठी और जलकर महादेव के स्वरूप में प्रकट हो गई। महादेव ने गुरु दत्त को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना आदेश दिया कि वे अब अपनी यात्रा को समाप्त करें और श्रीनिवास को अपने गुरुत्व में लें। महादेव के आदेश के बाद गुरु दत्त और श्रीनिवास वन से वापस ग्राम लौट आए। गुरु दत्त ने श्रीनिवास को अपना आदेश सुनाया और उन्हें ब्रह्मचर्य की विधि का पालन करने की सलाह दी। श्रीनिवास ने गुरु दत्त की सलाह का पालन करते हुए अपना जीवन योग, ध्यान और सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने महादेव और गुरु दत्त के प्रति अपार आदर और श्रद्धा व्यक्त की और आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त किया। ये कथा दिखाती है कि महादेव के आदेश का पालन करने के बाद गुरु दत्त के माध्यम से श्रीनिवास ने आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति की। गुरु दत्त उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने और महादेव के सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में प्रकट हुए। इस कथा के माध्यम से हमें ये समझ मिलता है कि गुरु का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसके मार्गदर्शन में अपने आदर्शों का पालन करने से हम आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।